लोकसभा चुनाव का चुनावी शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी जो 14 मई तक चलेगा। अंतिम चरण में इस बार चुनाव में सबसे वीवीआईपी सीट बनारस में भी वोट पड़ेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं और नामांकन के लिए प्रत्याशी भी शुभ मुहूर्त देख रहे हैं ताकि विजय का मुकुट उनके सिर पर सज सके। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि 7 मई से 14 मई के बीच नामांकन के लिए 3 मुहूर्त विशेष हैं। इस समय और तिथि का ध्यान रखकर यदि नामांकन दाखिल किया जाए तो चुनाव में जीत की राह आसान हो सकती है। पंचांग के अनुसार 9 मई 10 मई और 13 मई की तारीख नामांकन के लिए काफ़ी शुभ है। बहुत अच्छा है। तो 7 तारीख और 8 तारीख ये 2 दिन जो है चतुर्दशी और अमावस्या का योग है, तो इसमें नामांकन नहीं होना चाहिए। चतुर्दशी और अमावस्या में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। उसके बाद 9 तारीख से वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का प्रारंभ हो जाएगा, तो वह डेट अच्छा है। उस दिन जो है द्वितीया तिथि भी लग जाएगी प्रातः 6 से 6:30 बजे के बाद, और रोहिणी नक्षत्र होगा चंद्रमा का जो स्वयं अपने उच्च में होगा। उच्च में होने की वजह से यह नक्षत्र जो है बहुत अच्छा माना जाता है, आरोहण का नक्षत्र माना जाता है। ये चंद्रमा का नक्षत्र है, ये समृद्धि का नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र में यदि व्यक्ति अगर नामांकन करता है 12:53 के आसपास सिंह लग्न में तो बहुत ही उत्तम होगा, क्योंकि लगने सूर्य भी अंदर आ जाएंगे आपके। और दूसरा है डेट तारीख है 10 तारीख जो अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया स्वयं में अपने आप प्रशस्त मुहूर्त है, जो क्षय नहीं होता है। उस दिन किसी भी समय यदि व्यक्ति करता है, विशेष करके सिंह लग्न में कन्या लग्न में करता है, तो विशेष योग कारक उसके होगा, योग फल प्राप्त होगा। उसके बाद 13 तारीख है। 13 तारीख को 1:43 के बाद सर्वार्थ सिद्ध योग है, जो बहुत अच्छा है, अपने आप में प्रशस्त नक्षत्र है, योग है। तो इसमें यदि व्यक्ति 1:43 के बाद अगर नामांकन करता है तो विजयश्री अवश्य उसको प्राप्त होगी। जय जय।